Hey guys, welcome to BioAchievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss about the important questions of Reproductive Health Chapter 4 Class 12 updated PYQ 2021 to 2011. It is available on my Telegram channel, which is also given in the description box. You can also follow me on the Instagram. So let's get started. Choose the right one among the statement given below. यहाँ पर तो correct statement यहाँ पर correct choose करना है. IUD यानी कि इंट्रा यूट्रीन डिवाइस इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस. यस, IUD आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ. दिस इज रॉन्ग. IUD सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस. दिस इज रॉन्ग. IUD वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए. द डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड द वॉलेट आर, ये जो भी डिवाइसेस हैं, ये जो हैं वो दीज आर द रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी. It sexually transmitted disease symptomized by the development of the canker on the genitals is caused by the infection of. यहाँ पर पूछा गया है genitals में अगर canker हो रहा है तो फिर किसका infection हो सकता है. Trypanoma pallidum, तो ये cause करता है syphilis. Yes, it is the causative agent. So this is the right option. Neisseria gonorrhea जो होता है, gonococcal infections, ये भी genital organ पे cause करता है, but canker के बारे में पूछा गया है. So this is the right option, option number A. HIV and hepatitis B viruses are the wrong statements. Sexually transmitted disease that can affect the both male and the female genitals and may damage the eyes of the babies or the born of infected mother. Yani ki yahan par dekho, male and female dono hi genitals ko affect kar raha hai, aur infected mother ki jo baby hai wo unki eyes mein bhi damage ho raha hai. So uska causative agent kya hoga? AIDS, syphilis, gonorrhea or hepatitis. So here the right answer is the Neisseria gonorrhea. This is the causative agent and the name of the disease is the gonorrhea. According to which organization reproductive health means a total well-being in all aspects of the reproduction. यहाँ पर देखो reproductive health की definition दिया गया है, यानी कि total well-being in all aspects of reproduction. ये कहा गया था WHO. It is given by the World Health Organization. Which of the following represent a correct match? Correct match के बारे में बात की गई है. यहाँ पर sexually transmitted disease with this pathogen. Syphilis. ये कॉज करता है ट्रिपोनोमा पैलिडम. यस, इट इज़ द राइट आंसर. गोनोरिया, ये जो है वो निसेरिया गोनोरिया होता है, एम्बिक्टोमेमिकल नहीं होता है. यूरेथ्राइटिस मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज होता है, लेकिन मेन इट इज अ क्लैमाइडियस ऑफ सोर. इट इज द हेमोफिलस डेक्राई. सो हियर द सिफिलिसिस ट्रिपोनोमा पैलिडम इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वासेक्टोमी. वासेक्टोमी क्या होता है? वास डिफरेंस को वहाँ पर कट करते हैं और वहाँ पर टाई कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म तो होगा बट इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा में स्पर्म नहीं जाएगा. सो दिस इज द राइट आंसर. सो बाकी ये जो ऑप्शन है, प्रिवेंट द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, द रॉन्ग. प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, प्रिवेंट अ मैन हैविंग इन्फेक्शन, दीज आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द मेजर्स दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स, कौन से स्टेप्स होते हैं? एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द स्मॉल फैमिली, यस. रेजिंग द एज ऑफ द मैरिज, यस. एनकरेजिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, यस. सो ऑल ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनियासिस. यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. इट इज़ अ वायरस, ये वायरस का नाम है. और बाकी जितने ये दिए गए हैं ये सारे क्या हैं? डिजीजेज हैं. सो वेरी क्लियर द HIV पैथोजन विदर्स अदर आर डिजीजेज. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. देखो ट्राइकोमोनियासिस इज STD वेर अदर्स आर नॉट. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द गोनोरिया, ये जो है वो STD है. गोनोरिया इट इज़ अ वायरल डिजीज लिखा हुआ, लेकिन ये बैक्टीरियल होता है. हेपेटाइटिस बी इज़ इरिडिकेटेड कम्प्लीटली, इरिडिकेट नहीं हुई है. विच आर द फॉलोइंग ग्रुप includes STD caused by the bacteria only. So यहाँ पर syphilis, gonorrhea and canker, ये जो तीनों होती हैं वो तीनों ही cause की जाती हैं bacteria से. So this is the right answer. Scabies और ये pediculosis, ये जो होते हैं वो viral diseases हैं. Confirmatory test for the STD का जो confirmatory laboratory test होता है वो कैसे होगा? ELISA का मतलब है enzyme linked immunosorbent assay, yes. This test is done for the antibodies, detection of the antibodies and the antigens. PCR यानी कि polymerase chain reaction, DNA hybridization. So the best option is the all of these. The common means of the transmission of AIDS is, common means क्या है? Sexual intercourse, blood transfusion, placental transfer and all of the above. So the right option is the all of the above. Which of the following STD are not completely curable, जो पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकती हैं, वो हैं वो डिजीज हैं AIDS, genital herpes and hepatitis B. बाकी जितनी अदर डिजीजेस लिखे हुए, जैसे ट्राइकोमोनियासिस हो गया,
कैंक्रियाइड हो गया, क्लैमाइडियोसिस हो गया, ये सभी जो होते हैं वो क्योर हो सकती हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टू द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ देखो फैलोपियन ट्यूब की बात की गई, फैलोपियन ट्यूब में अप टू द 8 सेल, और क्या हो सकता है, जाइगोट भी हो सकता है, नर्ली एम्ब्रियो, बोथ कैन बी डन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। द फर्स्ट केस ऑफ IVF ET टेक्निक सक्सेस वॉज रिपोर्टेड बाई, ये किसने दिया था, तो ये दिया गया था पैट्रिक स्टेप्टन द एडबर्ट एडवर्ड्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड की बात की गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज लिप्स लूप, ये कॉपर टी एंड द कॉपर 7, दीज आर द कॉपर इन बेस्ड IUD एंड ये क्या है, हार्मोनल बेस्ड IUD है, LNG 20। मल्टी लोड डिवाइस कंटेन द कॉपर, इसमें कॉपर मैकेनिज्म है दैट इनिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूट्रिन डिवाइस, इंट्रायूट्रिन डिवाइस नहीं है। सो वेरी क्लियर, द नॉरप्लांट ये क्या है, सर्जिकल इम्प्लांट है, हार्मोनल इम्प्लांट है, सो इट इज़ नॉट एन IUD, जबकि बाकी जो है वो IUD है। IUD प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय, ये कैसे प्रिवेंट करती है IUD प्रेगनेंसी, बाय द इनिबिटिंग द फिजियोलॉजिकल एंड द मॉर्फोलॉजिकल यूट्रिन चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन, यस, इंक्रीजिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद द विद इन द यूट्रस एंड द सप्रेसिंग मोर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म एज वेल एज द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, एंड द ऑप्शन इज द ऑल ऑफ दिस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग IUD prevent ovulation, make uterus unsuitable for the implantation, decrease phagocytosis of the sperm and suppress sperm motility, so this is the right option because the copper jo hota hai wo suppress karta hai sperm motility ko। most important component of the oral contraceptive pills, jitne bhi oral contraceptive pills hote hain usme most important component hota hai progesterone aur estrogen, kyunki ye jo hota na ovulation ko hi process ko prevent karte hain। विच इज़ ट्रू अबाउट द सहेली, सहेली जो एक ड्रग है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है, इट इज़ डेवलप एट द CDRI लखनऊ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, येस, कंटेन द स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, रॉन्ग, बिकॉज ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, वंस इन अ वीक होती है, येस, इट हैज़ मेनी साइड इफेक्ट, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, इट इज़ द राइट स्टेटमेंट, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, वेरी फ्यू कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ट्रू पूछा गया है, सो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 6, सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज सेफेस्ट, देखो जो इसमें सेफेस्ट पूछा गया है दैट इज स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, दीज आर द सेफेस्ट मेथड्स, अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आवर कंट्री, तो ये लिया गया था, ये जो स्टेप लिया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, इट वॉज टेकन इन द 1950s, दिस इज द राइट ऑप्शन। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड इज, यहाँ पर ओवरेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ ओवरीज, हिटरोटोमी यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, वैसेक्टोमी यानी कि ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि वी कट दी वॉस डिफरेंस एंड वी टाई इट एज अ कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड, सो दिस इज द राइट आंसर। इन कैस्ट्रेशन इट इज द रिमूवल ऑफ टेस्टिस। Which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? देखो amniocentesis में जितनी भी congenital abnormalities हैं, chromosomal errors हैं, ये सारी ही diseases यहाँ पर check होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखो jaundice, it is wrong, यहाँ पर right option यहाँ पर cannot पूछा गया, तो this is the right answer। Down syndrome, cystic fibrosis and color blindness, this is the, they can be detected by the amniocentesis। In which ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी CVS इज डन, यानी कि कोरियोनिक मिलर सैम्पलिंग, ये कब की जाती है, 8th to 10th week यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में हम लोग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंक्रीज कब होगी पॉपुलेशन में, वेन देर इज नेटेलिटी एंड द इमाइग्रेशन, मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ और इमाइग्रेशन यानी कि बाहर जाना, इसका अपोजिट ही होता है, नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट हाई होना और इमाइग्रेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल इन टू द पॉपुलेशन। सो ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द नेटेलिटी एंड द इमाइग्रेशन। विच आर द फॉलोइंग इज द ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये जो है वो IUD गिफ्ट और जिफ्ट, और डी बोथ BNC, सो दिस इज द राइट आंसर, गिफ्ट एंड जिफ्ट। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स हु कैनॉट प्रोड्यूस एन ओवम, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। Which method can be used for the woman that cannot produce ovum but can provide suitable environment? So the right answer is the gift. Which other these can be cured to cure infertility in couples where male partner has a low sperm count? जहाँ पर male partner का low sperm count होता है,
तो वहाँ पर कौन सी टेक्निक करते हैं, वहाँ पर करते हैं IUI यानी कि इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, दिस इज द राइट आंसर, मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग एन स्पर्म इनटू एन ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इट इज़ कॉल्ड एज गिफ्ट जिफ्ट और ICSI और ET। यहाँ पर द राइट आंसर इज ICSI यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंटेंसली लैक्टिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, यहाँ पर जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन, दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व, द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व इज द एस शेप्ड। ए वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया इज, इंडिया में वाइडली एक्सेप्टेड मेथड क्या हो जाएगा, IUD। विच आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक कैन हेल्प अ बेबी कंसीव अ चाइल्ड इफ बोथ हर फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक, यानी कि अगर उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक हो गई है तो उसमें से कौन सा टेक्निक हम लोग करते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाई द जाइगोट इम्प्लांटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD कौन सी नहीं है इसमें, सो द राइट ऑप्शन इज द ANC, यहाँ पर LNG 20 जो है वो हार्मोनल IUD है और लिप्रू क्या है वो नॉन मेडिकेटेड IUD होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी नहीं होगी, वो जो कि इरिवर्सिबल नॉट पूछा गया है, इजिली अवेलेबल, यूजर फ्रेंडली, इफेक्टिव विद द लीस्ट साइड इफेक्ट्स। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द MTP, MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, दिस इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ द कॉपर टी का जो मेन फंक्शन होता है इट इज़ फॉर द स्टॉप फर्टिलाइजेशन। विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड इलाइजा करते हैं टेस्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी को, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग इट इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ द DNA। टेस्ट यू बेबी इंप्लाइज विच आर द फॉलोइंग टेक्निक्स, सो यहाँ पर ZIFT इट इज़ द राइट आंसर। इन द IVF टेक्निक ZYGOT और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू, कि कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब अप टू द 8 सेल, ये याद रखें अगर 8 सेल से ज़्यादा है तो इट कैन बी इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। बाय विच नेम इज फैमिली प्लानिंग करेंटली नोन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, फैमिली एंड चाइल्ड केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन ब्लॉक्ड आफ्टर द ट्यूबेक्टोमी, सो यहाँ पर द राइट ऑप्शन इज द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी की डिस्कस किया गया। कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल हेल्प इन द बर्थ कंट्रोल बाय क्लीनिंग द स्पर्म्स इन द यूट्रस, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन और प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, तो द राइट ऑप्शन इज द बोथ BNC, दैट इज द, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दैट हैज़ वेरी हाई कॉन्सेप्टिव वैल्यू विद लिटिल साइड इफेक्ट, इट इज बिकॉज इट कंटेन द सेंट्रोमैन, दिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, थैंक यू।